करंजित कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी 16 जुलाई को इस वेब सीरीज के सीजन 1 के 20 मिनट के 10 एपिसोड Z5 पर रिलीज किए गए। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है आदित्य दत्त ने। कनाडा के एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी करंजित कौर के बचपन से लेकर के उसके सनी लियोनी बनने तक के सफर को, यानी एक पॉर्न स्टार बनने तक के सफर को इस वेब सीरीज में दिखाया है। 2016 में सनी भारत में एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रही होती है, जहां पर न्यूज एंकर सनी से कुछ बहुत ही तीखे सवाल पूछ रहे होते हैं। इसी इंटरव्यू के बीच में फ्लैशबैक में हमें सनी लियोनी की पूरी कहानी दिखाई गई है। अब ये जो फ्लैशबैक की कहानी है वो सनी लियोनी के भाई के पर्सपेक्टिव से, यानी उसके नज़रिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाई गई है। यानी ये जो फ्लैशबैक की कहानी है वहाँ पर सनी लियोनी का भाई कैमरे की तरफ देखकर ऑडियंस से सीधे बात करता है, इंटरेक्ट करता है, और इस प्रकार से ये पूरी फ्लैशबैक की कहानी हमें दिखाई गई है। और ये फ्लैशबैक की कहानी भी कोई समय के क्रम के अनुसार नहीं दिखाई गई। 1981, 1994, 1999, 2003 और 2008 ऐसे अलग अलग समय पर ये फ्लैशबैक की कहानी शिफ्ट होती रहती है। ये वेब सीरीज दो प्रकार की आइडियोलॉजीज को हमारे सामने रखती है। एक है जो संस्कृति का और परंपराओं का सम्मान करते हैं, जिन्हें लिबरल्स कंजर्वेटिव कहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, और दूसरी है खुद लिबरल्स की आइडियोलॉजी। लिबरल ये वर्ड खुद इस वेब सीरीज में कई बार यूज किया गया है। तो इस प्रकार की दो आइडियोलॉजीज को ये वेब सीरीज हमारे सामने रखती है। अब जो रिपोर्टर का कैरेक्टर है उसे कंजर्वेटिव दिखाया गया है, जितना हो सके बुरा, घिनौना, बेहुदा, निर्दयी, इनसेंसिटिव उस कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश की है। यानी एक प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस वेब सीरीज के मेकर्स ने कंजर्वेटिव लोगों के प्रति अपनी भड़ास उस कैरेक्टर के जरिए निकालने की कोशिश की है। ये वेब सीरीज देखने से पहले आपके मन में जो कुछ भी ख्याल आए होंगे, सवाल आए होंगे, ऐसे सभी सवालों को बहुत ही बेहूदे तरीके से वो रिपोर्टर सनी लियोनी से पूछता है, और फिर लिबरल आइडियोलॉजी के जरिए उन सभी सवालों को इस वेब सीरीज में काउंटर करने की कोशिश की है, जवाब देने की कोशिश की है। यानी एक प्रकार से जो रिपोर्टर का कैरेक्टर है उसकी जो सोच है, उस सोच से, उस कैरेक्टर से आपको घिन आ जाए, चिढ़ आ जाए, इस प्रकार से उसे इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की है। दूसरा कैरेक्टर है सनी लियोनी के भाई का, जिसे लिबरल दिखाया गया है इस वेब सीरीज में। वो खुद भी लिबरल ये वर्ड इस वेब सीरीज में यूज करता है। उसे पूरी तरीके से ओपन माइंडेड दिखाया गया है, जो कि होना ही चाहिए। लिबरल जो है वो पैसे कमाने के लिए अपनी बहन के, यानी सनी लियोनी के साइन किए हुए फोटोज अपने फ्रेंड्स को $30 में बेचता है। देखा कितना ओपन माइंडेड है। तो इस प्रकार से इन दो आइडियोलॉजीज को ये वेब सीरीज हमारे सामने रखती है। अब इस वेब सीरीज में क्या दिखाया गया है उससे हम एग्री कर पाते हैं या नहीं, उन सब बातों को डायरेक्टर ने जस्टिफाई किया है या नहीं, क्या सनी लियोनी के प्रति ये वेब सीरीज हमारे मन में सिंपथी क्रिएट कर पाती है या नहीं, इन सब बातों के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सनी लियोनी के ही जीवन पर वेब सीरीज क्यों, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि आखिर बॉलीवुड सनी लियोनी के ही जीवन पर वेब सीरीज क्यों बना रहा है। हमारे भारत में इतनी महान बेटियां हैं, रणरागिनियां हैं, चैंपियंस हैं, एथलीट्स हैं, उनके जीवन पर बॉलीवुड आखिर वेब सीरीज या फिर फिल्म्स क्यों नहीं बनाता, इस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। राजमाता जीजाबाई जी, रानी वेलु नचियार जी, रानी अबक्का जी, कल्पना चावला, ज्वाला गुट्टा, दीपा कर्माकर, कर्णम मल्लेश्वरी, मेरी कॉम, पीवी सिंधु, सायना नेहवाल, साक्षी मलिक, पीटी उषा, इन सबके होते हुए सनी लियोनी के ही जीवन पर वेब सीरीज क्यों, आखिर ऐसे सेलिब्रिटीज के जीवन पर फिल्में बॉलीवुड में क्यों बनाई जाती है। तो देखिए, इसके पीछे दो मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है ऑडियंस, और दूसरा कारण है फैशन इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री का खुद का स्वार्थ, जिसे हम बिजनेस भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियंस के बारे में। दोस्तों, पिछले साल एकता कपूर ने उनके ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर बोस डेड अलाइव इस वेब सीरीज को रिलीज किया था, जो हर तरीके से आज तक की भारत में बनी हुई सबसे बेस्ट वेब सीरीज थी। हर तरीके से, स्टोरी टेलिंग, सस्पेंस, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, खास करके म्यूजिक, हर तरीके से वो वेब सीरीज इनक्रेडिबल थी, जिसे हम डेफिनेटली मास्टरपीस कह सकते हैं विदाउट एनी डाउट। पर क्या किसी सो कॉल्ड प्रोफेशनल क्रिटिक ने उस समय इस वेब सीरीज के लिए मास्टरपीस इस शब्द का उपयोग किया था? अब चलिए, इन क्रिटिक्स के बारे में तो बात करने को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्हें परमाणु जैसी फिल्म नेशनलिस्टिक जंगोइज्म लगती है, और द गाजी अटैक जैसी फिल्म अटरली डिसअपॉइंटिंग लगती है। इसलिए इन क्रिटिक्स के बारे में तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑडियंस के बारे में। मैंने जब बोस डेड अलाइव का रिव्यू किया था, उस रिव्यू वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि इस वेब सीरीज को आप अर्ल्ड बालाजी के ऐप पर ही जरूर देखना। पर पता है ज़्यादातर लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्या कहा था कि यार फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड करके देख लो। अब 2 महीने पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी कि कहने को हम सफर है इस नाम की एक अर्ल्ड बालाजी की ही वेब सीरीज है, ये भारत की आज तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज बन गई है। और इस वेब सीरीज की वजह से, कहने को हम सफर है इस वेब सीरीज की वजह से,
अर्ल्ड बालाजी की व्यूअरशिप 300% बढ़ गई है, 1-2% नहीं, हाँ 300% अर्ल्ड बालाजी की व्यूअरशिप बढ़ गई है, और इसलिए एकता कपूर ने तुरंत इसका सीजन 2 अनाउंस भी कर दिया है। पर क्या किसी ने बोस डेड अलाइव के सीजन 2 के बारे में सुना? कैसे सुनेंगे, क्योंकि ऐसी वेब सीरीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, पैसे भी लगते हैं। और अगर ऐसी वेब सीरीज की ऑडियंस इस वेब सीरीज के लिए 100 रुपये भी सब्सक्रिप्शन के लिए खर्च नहीं कर सकती है, तो कोई क्यों ऐसी वेब सीरीज पर पैसा खर्च करेगा, कोई क्यों ऐसी वेब सीरीज बनाने में अपना पैसा लगाएगा? लेकिन यही ऑडियंस जो इस वेब सीरीज के लिए 100 रुपये खर्च नहीं कर सकती है ना, वही ऑडियंस हेट स्टोरी और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों के लिए 250 रुपये का टिकट खरीद कर अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में थिएटर में देखने के लिए जाते हैं। पर बोस डेड अलाइव जैसी वेब सीरीज को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। ऊपर से हम गलत किसे कहेंगे, गाली किसे देंगे, एकता कपूर को, Z5 को, कि वो क्यों सनी लियोनी के जीवन पर वेब सीरीज बनाते हैं? अरे भाई क्यों नहीं बनाएंगे? अगर एकता कपूर को गंदी बात, देव डीडी और क्या नाम था, कहने को हम सफर है, ऐसी वेब सीरीज की वजह से अगर उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं उनके ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स के, तो वो आखिर क्यों अपना पैसा लगाएंगे बोस डेड अलाइव जैसी वेब सीरीज बनाने में? तो इसलिए एकदम सीधा सा गणित है। Z5 को 14 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया, उन्हें भी अपने इस ऐप या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बूस्ट करना था, उन्हें भी इसकी पब्लिसिटी चाहिए थी, और सनी लियोनी के जीवन पर बनी हुई वेब सीरीज से ज़्यादा पब्लिसिटी उन्हें कौन दे सकता था? सीधा सा गणित है। और आप सोचिए, जिन रणरागिनियों के या महान भारत की बेटियों के नाम मैंने अभी लिए, अगर उनके जीवन पर कोई वेब सीरीज बनाई जाती तो क्या Z5 की पब्लिसिटी होती? क्या ऑडियंस उस Z5 का सब्सक्रिप्शन लेती? क्या उनकी व्यूअरशिप बढ़ती? जवाब आपको पता है। अब दूसरा रीज़न, फैशन इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री का खुद का स्वार्थ, बिजनेस। दोस्तों क्या आपको पता है, मैंने अभी जिन महान भारत की बेटियों के नाम लिए, उन्हें हमारी यंग जनरेशन के सामने, युवतियों के सामने आदर्श के रूप में क्यों नहीं रखा जाता? महिला सशक्तिकरण की तस्वीर को सनी लियोनी को ही क्यों बनाया जाता है? जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तब सनी लियोनी या फिर ऐसे एक्ट्रेसेस के ही नाम क्यों लिए जाते हैं? क्यों हमारे इन महान एथलीट्स या फिर चैंपियंस के नाम नहीं लिए जाते? इसके पीछे की बस एक ही वजह है, एक ही कारण है, वो है बिजनेस, पैसा। दूसरी कोई वजह नहीं है। ये फेमिनिज्म वगैरह कुछ नहीं होता है, ये जो भी शब्द है ना, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब अंधश्रद्धा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे देश की युवतियाँ इन एथलीट्स, चैंपियंस या फिर ये जो ग्रेट फीमेल वॉरियर्स है, इनका आदर्श लेंगी, तो फिर फैशन इंडस्ट्री के लिए स्किन शो कौन करेगा? हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो हर समय महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करती है, हर समय एक्ट्रेसेस के क्लीवेज के ऊपर, बट के ऊपर जो फेमिनिज्म के नाम पर कैमरा घूमता है ना, वो सब फिर कैसे हो पाएगा? और हाँ, यहाँ पर कोई भी किसी को कम कपड़े पहनने के लिए मना नहीं कर रहा है, ये विषय यहाँ पर है ही नहीं। आपको जो मन में आए वो पहनिए, लेकिन केवल कपड़े उतारने को, केवल न्यूडिटी को ही फेमिनिज्म का नाम देना, ये तो गलत है ना यार। अब सोफिया हैथ मॉडल से नन बनी थी, आपको पता ही होगा। अब नन बनने के बाद उनका फैशन इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है, ये आप सुनिए। अनफॉर्चुनेटली वुमन स्टार्ट बिलीविंग दैट शोइंग सेक्सी कर्वी बॉडी इज फ्रीडम। द ट्रूथ हाउएवर इज दैट ऑल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मैन। So what we thought was freedom was just a man's view of how a woman should look. That is some freedom. यानी महिलाओं को सेक्सी और कर्वी दिखाना, स्किन शो करना, ये इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है, और इसलिए जानबूझकर इन्हें जो सेलिब्रिटीज सूट करते हैं ना, केवल उनको ही प्रमोट किया जाता है। और इसीलिए करंजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी ये वेब सीरीज बनाई गई है, इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है। पर आजकल हो ये गया है कि हमारी ये जो सो कॉल्ड कूल यंग जनरेशन है ना, जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो गए हैं। अगर शुद्ध हिंदी में मैं कहूँ तो कुपमंडूक हो गए हैं। अपनी चार दीवारी के बाहर उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। 2-4 सो कॉल्ड लिबरल्स की वो बुक्स पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर 1-2 सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों की पोस्ट पढ़ लेंगे, और फिर उसके आधार पर वो अपना विचार बनाते हैं, अपनी विचारधारा बनाते हैं, खुद का कोई स्टैंड नहीं, या फिर किसी के फैन बन जाएंगे और उनका स्टार जो बनेगा ना, बस उसी को वो सही मानेंगे। इस प्रकार से ये आजकल की यंग जनरेशन अपनी विचारधारा बना रही है, खुद से वो कुछ सोच नहीं रहे। और जब ऐसी वेब सीरीज आती है, उस वेब सीरीज के ऐसी वेब सीरीज को देखकर वो फिर अपनी विचारधारा को बनाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को वो बनाते हैं, उसके आधार पर अपने विचारों को वो तय करते हैं, ये बात सबसे ज़्यादा दुखी करती है। चलिए अब बात करते हैं करंजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी इस वेब सीरीज के बारे में।
सनी लियोनी के पॉर्न इंडस्ट्री की तरफ जाने के पीछे के दो कारण ये वेब सीरीज हमें बताती है। सबसे पहला कारण है कि उनके परिवार का बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होना, भारतीय संस्कृति को मानना, और दूसरा कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसों के प्रॉब्लम। अब देखिए, सनी लियोनी ने जो कुछ भी किया उसे जस्टिफाई करने के लिए इस वेब सीरीज के शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में उसके परिवार की कुछ निगेटिव बातों को भी दिखाया गया है, खास करके सनी लियोनी की माँ की, जैसे कि उसकी माँ का अल्कोहलिक होना, बार बार सनी लियोनी को डांटना, छोटे कपड़े ना पहनने देना, उसकी माँ और पिताजी के कबर्ट में सीक्रेट टेम्पटेशन जैसी अडल्ट मूवीज़ की एक VCR कैसेट का मिलना, सनी लियोनी का छोटा भाई उनके ही घर में रहने वाली पेन गेस्ट के साथ में सेक्स करते हुए दिखाना, सनी लियोनी की माँ को अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए महंगे गहने पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था, ऐसी बातें दिखाना, इस प्रकार की कुछ निगेटिव बातों को शुरुआत के एपिसोड में दिखाया गया है। पर सबसे आश्चर्य देखिए, जिन माता पिता को शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में निगेटिव दिखाया गया था, बहुत ही कठोर रूढ़िवादी दिखाया गया था, उन्हीं माता पिता के कैरेक्टर्स का उपयोग आखिर के दो एपिसोड्स में ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए किया गया है। यानी सनी लियोनी के प्रति हमारे मन में सिंपथी पैदा करने के लिए सनी लियोनी के माँ और पिताजी के कैरेक्टर का उपयोग आखिर के दो एपिसोड्स में किया गया है। और केवल सनी लियोनी के परिवार को ही नहीं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी इसमें निगेटिव या फिर विलन की तरह दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में एक डायलॉग है कि सनी अपना फ्लावर उसे नहीं देगी, वो उन्हें अपनी सैकड़ों हजारों साल पुरानी घिसी पिटी इंडियन वैल्यूज से चिपकी रहेगी। एफ दोज वैल्यूज, एंजॉय कर यार, ऐश कर, इस प्रकार का एक डायलॉग भी हमें इसमें सुनने को मिलता है। इस वेब सीरीज में इस विचारधारा को लिबरल कहा है, इसलिए मैं भी यहाँ पर इसी शब्द का उपयोग करता हूँ। इन लिबरल्स की या फिर इस विचारधारा की हार इस वेब सीरीज में उसी समय हो गई थी जब उन्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए संस्कृति को मानने वालों को, यानी उनके हिसाब से कंजर्वेटिव लोगों को, उन्हें नीचा दिखाना पड़ गया था। उन्हें विलन के तौर में इस वेब सीरीज में उन्हें दिखाना पड़ गया था। उसी समय उनकी विचारधारा की हार हो गई थी, क्योंकि अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए दूसरों को नीचा नहीं दिखाया जाता, और दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाकर, उन्हें नीचा दिखाकर कभी भी कोई महान नहीं बन सकता है, उसकी आइडियोलॉजी को वो सही साबित नहीं कर सकता है। यानी इस वेब सीरीज में जो एक रिपोर्टर का कैरेक्टर है जिसे कंजर्वेटिव दिखाया है, उसके ऊपर साफ तौर पर हमें दिखता है कि भड़ास निकाली गई है, और जो ऑनर किलिंग जैसे शब्दों का जो उपयोग है उनका प्रयोग करके पॉर्न इंडस्ट्री को जस्टिफाई किया गया है, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं एक प्रकार से उनका मजाक उड़ाया गया है, ऐसी सब बातों के जरिए कोई आइडियोलॉजी सही साबित नहीं होती या कोई महान नहीं बन जाता है। आर्ट और एंटरटेनमेंट की आड़ में अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार कोई भी किसी को अच्छा दिखा सकता है और बुरा भी दिखा सकता है, लेकिन इसके आधार पर कोई अच्छा या बुरा नहीं हो जाता है। एक और नई बात मुझे इस वेब सीरीज से पता चली कि सिख भाई और हिंदू अलग अलग होते हैं। रिचर्ड के रेडियो शो पर सनी लियोनी से पूछा जाता है कि तुम भारत से हो तो ज़रूर तुम गाय की पूजा करती होगी, तो सनी लियोनी कहती कि नहीं, मैं सिख हूँ, वो हिंदू करते हैं पूजा। यानी ये बिल्कुल ही कुछ नया था मुझे सुनने के लिए, क्योंकि हम तो इस प्रकार का कभी भेदभाव देखते नहीं हैं। हाँ, अंग्रेज़ों ने ऐसा भेदभाव किया था, वो बात अलग है। तो ओवरऑल इस वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ नया मुझे देखने को नहीं मिला। ऊपर से सनी लियोनी का जो पॉर्न फिल्म का करियर है उसे बस एक फ़ोटोशूट की तरह दिखाया है। यानी जब भी वो पॉर्न फिल्म की शूटिंग को उनको इस वेब सीरीज़ में दिखाना था, वहाँ पर बस उन्होंने एक ठीक ठाक लगभग कपड़े पहने हुए फ़ोटोशूट को दिखाया है। ऐसा नहीं था कि उन्हें सेक्स नहीं दिखाना था। इस वेब सीरीज़ में ज़रूर एक माइल्ड सेमिन्यूर सेक्स सीन भी है, लेकिन वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ में है बिल्कुल शुरुआत में। लेकिन जहाँ पर उन्हें पॉर्न फिल्म्स का शूटिंग दिखाना था, वहाँ पर बस वो एक फ़ोटोशूट को दिखा रहे थे, बिल्कुल किसी स्वर्ग की तरह जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, ऐसा उन्होंने पॉर्न फिल्म्स की शूटिंग को इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा डैनियल और सनी, इन दोनों की लव स्टोरी को भी बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म्स की तरह बहुत ही मीठा मीठा दिखाया गया है। यानी इस वेब सीरीज़ में सनी लियोनी की केवल उन्हीं बातों को सामने रखा गया है जिनके जरिए ऑडियंस की सहानुभूति सिंपति को हासिल किया जाए। सनी अपने जीवन में जो कुछ भी निर्णय लेती है उसके लिए इस वेब सीरीज़ में दूसरों को जिम्मेदार दिखाया है। यानी सनी जब पहली बार किसी लड़के के साथ सेक्स करती है, वहाँ पर भी उसकी फ्रेंड्स उसे उकसा रही है ऐसा दिखाया है। इसके बाद में जब सनी पहली बार किसी लड़की के साथ में सेक्स करती है, वहाँ पर भी सामने वाली लड़की उसे ऐसा करने के लिए कहती है ऐसा दिखाया है। इसके बाद में सनी के पॉर्न इंडस्ट्री में जाने के पीछे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दिखाया है। यानी सनी खुद भी किसी बात के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहती है। हाँ, पर ये वेब सीरीज दूसरों को ब्लेम ज़रूर करती है। जो संस्कृति को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, उन्हें ये वेब सीरीज निगेटिव ज़रूर दिखाती है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ न्यूड सीन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो ये वेब सीरीज़ आपको निराश करेगी। हाँ, अगर सनी लियोनी की अनटोल्ड स्टोरी आप सनी के ही नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो फिर आप ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। मैं इस वेब सीरीज़ को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स।
दोस्तों अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी तो आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।